वेलकम एवरीवन, माय नेम इज़ रोनित पटेल। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारी टॉपिक जो है वेरियस अप्रोचेस टू मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। हमारा फर्स्ट अप्रोच टू मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट जो है वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हमें FW टेलर ने दिया था। साइंटिफिक मैनेजमेंट में हम ऐसा है कि अगर हम ये वाले जो प्रिंसिपल्स को अगर हम फॉलो करेंगे, जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, जो है टाइम स्टडी, इमोशन स्टडी, स्टैंडर्डाइजेशन, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, इनको हम फॉलो करेंगे अगर हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो टेक्निक है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट है टाइम स्टडी। अब टाइम स्टडी में ऐसा होता है कि हम जो कुछ भी काम करते हैं ना, तो वो एक अप्रोप्रिएट टाइम में होना चाहिए। उसका एक प्रॉपर जो टाइम लिमिट होता है ना, उसके अंदर काम होना चाहिए। जैसे कोई लेबर है तो वो लेथ मशीन पे टर्निंग का काम कर रहा है। अब टर्निंग ख़त्म हो जाना चाहिए 15 मिनट में, ठीक है, और वो लगाता है आधा घंटा। तो ये जो टाइम स्टडी का जो रूल है ना, ये उसने क्या किया, उसको फॉलो नहीं किया। क्योंकि जो काम जितने टाइम लिमिट में हमें कंप्लीट करना पड़ता है, तो उस पर क्या बोलते हैं, हमें स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। हमारा एक शेड्यूल जो होता है ना, हमें उस शेड्यूल के हिसाब से ही चलना पड़ता है। कि जैसे आप अगर पढ़ने बैठे हो, ठीक है, और आपको एक पेज होता है बुक का, वो रीड करने में 15 से 20 मिनट लगते हैं, ठीक है, तो वो एक स्टैंडर्ड टाइम हो गया। अब कोई 45 मिनट्स ले रहा है उस चीज़ को रीड करने के लिए, आधा रीड करके खड़ा हो जाता है, कहीं पर घूमने चला जाता है, तो क्या वैसा चलता है? नहीं चलता। क्योंकि सीधी सी बात है कि आपका कंसंट्रेशन भटक जाता है। आपकी जो एफिशिएंसी आनी चाहिए, जो इफ़ेक्टिवनेस आनी चाहिए ना रीडिंग की, वो इफ़ेक्टिवनेस मेंटेन नहीं रहती। तो वैसा ही ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि काम की है ना इफ़ेक्टिवनेस मेंटेन नहीं रहती। अगर आप प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट में काम नहीं करते, प्रिस्क्राइब्ड तरीके से काम नहीं करते ना, तो जैसा टाइम स्टडी में है ना, वैसा ही मोशन स्टडी में है। कि कोई भी काम हो तो उसको करने की कुछ पर्टिकुलर मोशन होती है। जैसे अगर कोई लेथ मशीन पे किसी को काम करना है, किसी लेबर को, तो वो वर्कपीस होगा, वो लाएगा, बाद में वो चक होता है तो चक के अंदर वो की डाल के चक के जॉ को ओपन करेगा, उसके अंदर वर्कपीस को लोड करेगा, फिर उसको वर्कपीस जॉ को टाइट करेगा, उसके बाद हेड स्टॉक की मोटर होगी उसको स्टार्ट करेगा, उसके बाद टूल पोस्ट पे जो टूल होगा, ठीक है, तो उससे डेप्थ ऑफ कट देगा, उसके बाद फीड देगा, फिर वर्कपीस बनाएगा। तो ये कुछ स्टैंडर्ड मोशन हो गई, ठीक है। तो मान लीजिए अब उसने वर्कपीस को लोड किया, उसने मोटर शुरू की और लेबर कहीं चाय पीने चला गया, तो ये गलत बात हो जाती है। ऐसा नहीं चलता कि अगर कोई काम करना होता है तो उसको एक बराबर तरीके से करना पड़ता है, एक अप्रोप्रिएट वे में करना पड़ता है, एक अप्रोप्रिएट मैनर में करना पड़ता है, ठीक है। तो इसी पे है ना हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्डाइजेशन, वो आता है कि हर काम जो होता है ना, वो एक स्टैंडर्ड तरीके से करना चाहिए, एक अप्रोप्रिएट वे में करना चाहिए। कि जैसे डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स के अंदर हमने स्टैंडर्डाइजेशन का कॉन्सेप्ट देखा था कि स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है। तो स्टैंडर्डाइजेशन में हमने क्या देखा था कि कोई भी पार्ट होता है हमारा, ठीक है, अगर वो बिगड़ गया तो हम अगर उसका रिप्लेसमेंट मार्केट में लेने जाए ना, तो हमें आसानी से मिल जाना चाहिए, और मोस्टली मिल ही जाता है। अगर नट बोल्ट का नट बिगड़ जाए तो हमें मार्केट में उसका वैसा दूसरा नट है ना, वो मिल जाता है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो पार्ट स्टैंडर्डाइज तरीके से बना है, वो पार्ट ने स्टैंडर्डाइजेशन का जो रूल है वो फॉलो किया है। तो वैसा ही है ना हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि हर एक काम करने का एक तरीका होता है, तो हमें उसी तरीके से काम करना पड़ता है, ठीक है, तो उसे ही हम स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्शन और ट्रेनिंग। अब सिलेक्शन और ट्रेनिंग में ऐसा है कि जो लेबर की जो अवेलेबिलिटी होती है ना, उस पर डिपेंड करता है कि आपके पास कैसा लेबर का सोर्स अवेलेबल है। अगर आपके पास कि नॉलेज वाले लेबर अवेलेबल है तो ठीक है, तो उनका सिलेक्शन प्रोसीजर इजी रहता है और उनको ट्रेनिंग भी कम देनी पड़ती है, क्योंकि उनको ऑलरेडी काम का कुछ नॉलेज होता है, कुछ एक्सपीरियंस होता है। पर अगर एकदम फ्रेशर है, ठीक है, अगर जैसा हमारे इंजीनियरिंग में होता है कि पहले कॉलेज में पढ़ते हैं, बाद में सीधा इंडस्ट्री में चले जाते हैं, तो पूरा एटमोसफियर ही चेंज हो जाता है, किताब से सीधा मशीन पर चले जाते हैं, ठीक है। तो उस एटमॉस्फेयर में एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, वहाँ के हिसाब से सब कुछ सीखने में है ना टाइम लगता है, ठीक है। तो सिलेक्शन और ट्रेनिंग में यही होता है कि सिलेक्शन आपको लेबर का जो करना होता है कि आपकी इंडस्ट्री को कैसे लेबर की रिक्वायरमेंट है, और उसके हिसाब से उस लेबर को ट्रेनिंग देनी होती है। क्योंकि ट्रेनिंग में है ना ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है, ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करवाते हो, उन सारी चीज़ों से ना लेबर को वाकिफ करवाना पड़ता है, तो ट्रेनिंग में वही होता है। ओके,
नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन। और स्पेशलाइजेशन में बेसिकली ये है कि जिस लेबर का जिस फील्ड में स्पेशलिटी है ना, आप उसी को वो काम दो। अगर किसी लेबर को मिलिंग मशीन चलाना अच्छी तरीके से आता है ना, तो फिर उसको वही मशीन देना चाहिए, उसको लेथ मशीन या ड्रिलिंग मशीन नहीं देना चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल हो गया कि जिस मशीन का उसका एक्सपर्टाइज हो, जिस फील्ड का उसका एक्सपर्टाइज हो, ठीक है, तो उसी को देना चाहिए। अगर पिछले 4 साल से कोई इंसान क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और उसको आप अचानक से इन्वेंट्री में डाल दो, ठीक है, तो वो मज़ा नहीं आता। हाँ, काम वो करेगा, काम ऑब्वियस सी बात है कि वो काम करेगा भी और वो काम सीख भी लेगा, पर उसके अंदर टाइम कितना जाएगा उसको ट्रेनिंग लेने में, उसको एक्सपीरियंस लेने में, ठीक है, तो ये वाली बात हो जाती है। तो स्पेशलाइजेशन में यही लिखा है कि जिसको जो काम आता है ना, उसको वो वाला काम हमें देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स डिफरेंशियल वेज सिस्टम। अब डिफरेंशियल वेज सिस्टम में एक सिंपली मैं आपको समझाऊँ तो टॉप मैनेजमेंट वाले जो होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव सीईओ, उनका सैलरी कुछ अलग होता है। जो बॉटम लेवल मैनेजमेंट में हमारे जो लेबर और सब होते हैं, उनका सैलरी कुछ अलग होता है। मिडल लेवल मैनेजमेंट में जो जनरल मैनेजर्स होते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर्स होते हैं, उनका सैलरी कुछ अलग होता है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंशियल वेज सिस्टम हो गया कि जिसको जैसा नॉलेज है, जिसकी जैसी एक्सपर्टाइज है जिस फील्ड में, उसके हिसाब से उसको अलग मिलता है सैलरी। ठीक है, अगर कोई लेबर है वो नया है, आया है इंडस्ट्री के अंदर, तो उसको सैलरी कम मिलेगी, पर उसकी जगह जो एक्सपीरियंस वाला लेबर है, जो ज़्यादा आउटपुट दे रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट दे रहा है, उसका स्किल ऐसा है कि उसके स्किल में कुछ मोनोपोली है, ठीक है, तो उसको ज़्यादा सैलरी मिलता है, एक ऑब्वियस सी बात है। तो ये होता है डिफरेंशियल वेज सिस्टम। तो ये सारे जो प्रिंसिपल्स थे, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स थे। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। अब 14 प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो है ना, वो हेनरी फेयोल ने दिए थे। हम हेनरी फेयोल को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोलते हैं, ये चीज़ आप याद रखना कि फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट ने हमें ये जो 14 प्रिंसिपल दिए थे, तो ये कौन सा के डिवीज़न ऑफ लेबर और डिवीज़न ऑफ वर्क, कि जिसको जैसा काम आता है ना, वैसा काम उसको दो, और जो भी सारा कुछ काम है ना इंडस्ट्री का, वो लोगों में बांट लो। क्योंकि एक इंसान काम कर सकता है, पर वो लिमिट में काम कर सकता है। कि आप अगर एक लेबर को बोलते हो कि तुम लेथ मशीन पे काम करो, तो वो सिर्फ एक ही मशीन को संभाल सकता है, वो लेथ के साथ और 4 मशीन नहीं संभाल सकता। कि तू मिलिंग भी संभाल, ड्रिलिंग वाला भी संभाल, सीएनसी मशीन भी संभाल, सारा कुछ वो नहीं संभाल सकता। इसलिए काम को बांटना पड़ता है, अगर आपको इफेक्टिव तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में आउटपुट चाहिए ना तो। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अथॉरिटी का ऐसा है ना कि किसी एक ही इंसान को अथॉरिटी, क्या बोलते हैं कि जो अथॉरिटी की जो होती है परमिशन, उसको होती है कि वही दूसरे लोगों को कमांड दे सकता है, उसके अलावा और कोई कमांड नहीं दे सकता। ठीक है, तो अथॉरिटी में ऐसा होता है कि अगर सुपरवाइज़र को है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लेबरों को बताता है भाई तुम लोगों को ये काम इस तरीके से करना है, तो वो उसने गाइडिंग दे दिया, वो उसने गाइडेंस दे दिया कि आपको ये काम इस तरीके से करना है। पर अब और कोई लेबर है, ठीक है, वो सुपरवाइज़र के इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहा, वो अपनी मनमानी कर रहा है कि ये काम तो मैं इसी तरीके से करूँगा, और वो दूसरे लोगों को भी ऐसा करने के लिए बोल रहा है, तो वैसा चलता है? नहीं चलता है, कि काम जैसा हमारे सुपीरियर ने बोला उसी तरीके से करना पड़ता है, और वो काम सुपीरियर ने जैसे बोला वैसे ही हमारी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वही होता है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमारे सुपीरियर ने हमें जैसा इंस्ट्रक्शन दिया ना, उसी तरीके से हमें काम करना पड़ता है। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन अवर ऑर्गेनाइजेशन, कि डिसिप्लिन अगर एक मेंटेन हो ना, तो ही एक इफेक्टिवनेस रहती है ऑर्गेनाइजेशन में। कि जैसे अगर कोई हजार्डस एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, ठीक है, हजार्डस एनवायरनमेंट मतलब थोड़ा डेंजरस एनवायरनमेंट है, कि वहाँ पे हेलमेट, वो प्रोटेक्शन बूट्स, ये सारी चीज़ें हमें पहननी पड़ती है, ठीक है, तो वो रूल्स हमें ऐसे हो गए ना कि वो फॉलो करने ही पड़ते हैं, हमारी मनमानी नहीं चलती उसमें। तो डिसिप्लिन वाले पॉइंट में ये होता है कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें तो हमें वहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। वहाँ का जो सारा कुछ भी है, जो शेड्यूल हो गया, जो काम करने का तरीका हो गया, हमें वैसा ही फॉलो करना पड़ता है। उसमें हमारा जो पर्सनल इंटरेस्ट होता है, हमारा पर्सनल कम्फर्ट होता है ना, उसको हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये होता है डिसिप्लिन। नेक्स्ट इज़ यूनिटी ऑफ कमांड। अब यूनिटी ऑफ कमांड में ये होता है कि जो भी लेबर और जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं,
जितने भी इंसान हो गए, सिर्फ लेबर नहीं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में इंसान हो गए, उन सबको है ना एक यूनिटी में काम करना चाहिए, एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना चाहिए, एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखने चाहिए। तो यही होता है यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसका कोई पर्टिकुलर एम होता है, पर्टिकुलर गोल होता है। तो जितने भी लेबर और वर्कर काम कर रहे होते हैं ना, तो वो उसी गोल को फुलफिल करने के लिए काम करने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर वो उस गोल को फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो क्या हम बोल सकते हैं कि वो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के प्रिंसिपल से काम कर रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है कि वो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अपोज में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में हमें जो हमारा पर्टिकुलर गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसी के लिए काम करना पड़ता है, उसी डायरेक्शन में काम करना पड़ता है। तो ये होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो इस पॉइंट में सिर्फ इतना ही समझाया गया है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन का जो रिक्वायरमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन का जो नीड है, ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है, हमें उसको महत्व देना पड़ता है, उसको इम्पोर्टेंस देना पड़ता है। हम अपना पर्सनल इंटरेस्ट है ना, वो बीच में नहीं ला सकते, हमारा पर्सनल कंफर्ट वो बीच में नहीं ला सकते। हमें अपने आप से पहले है ना ऑर्गेनाइजेशन को आगे रखना पड़ता है, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, क्योंकि वो हमें वेजेस दे रही है, तो हमें ऑर्गेनाइजेशन में जैसे बताया गया हो ना उस तरीके से काम करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन को जो फ़ायदा हो उस तरीके से काम करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है रिम्यूनरेशन। अब आप जो भी कुछ काम करते हो तो उसका ऑर्गेनाइजेशन आपको वेज देती है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का भी ये फ़र्ज है कि आप अगर अच्छा काम कर रहे हो ना तो उसको अगर ज़्यादा सैलरी देनी पड़ती है। ठीक है, अगर आप बराबर तरीके से काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपको बताएगा कि भाई आप बराबर काम नहीं कर रहे हो, आप इस तरीके से काम करना शुरू करो, ठीक है, वरना आप यहाँ पर काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो रिम्यूनरेशन में यही होता है कि रिम्यूनरेशन मतलब कुछ आपको पैसा देते हैं वो काम करने का, कि आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है, अगर आप रेगुलर काम कर रहे हो तो आपको जो रेगुलर बेनिफिट होता है वो वाला होता है। ठीक है, रिम्यूनरेशन में कि जो आपको पैसा मिलता है आपका काम करने के लिए। नेक्स्ट इज स्केलर चेन। अब स्केलर चेन में है ना अथॉरिटी का पूरा फ्लो चार्ट आ जाता है। तो वो मैं आपको बताऊँ कि जैसा मैंने आपको पहले कहा कि टॉप मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट और बॉटम मैनेजमेंट, तो ये है ना पूरा स्केलर चेन हो गया कि जो भी CEO होता है, जो भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो टॉप मैनेजमेंट के इंसान हो गए। वो लोग किसको काम समझाते हैं, वो लोग जो मिडल लेवल मैनेजमेंट के इंसान है कि जो जनरल मैनेजर हो गए, असिस्टेंट इंजीनियर्स हो गए, वो उनको काम समझाते हैं। मिडल लेवल मैनेजमेंट के इंसान बॉटम लेवल मैनेजमेंट के जो इंसान है उनको सारा कुछ काम समझाते हैं, ये वाला काम टॉप मैनेजमेंट ने इस तरीके से करने के लिए बोला है और इतने टाइम में करने के लिए बोला है, तो इन सारे तरीकों से इतना काम करना है। ठीक है, तो यही होता है स्केलर चेन, जिसमें एक अथॉरिटी का फ्लो चार्ट हम कह सकते हैं कि अथॉरिटी कहाँ से कहाँ जाती है ना वो हमें पता चलता है कि कौन सा इंसान किस इंसान को अथॉरिटी देता है। ओके, तो यही होता है स्केलर चेन कि एक कमांड का जो एक चेन है ना वो कैसे जा रहा है टॉप लेवल मैनेजमेंट से बॉटम लेवल मैनेजमेंट में। ओके, नेक्स्ट इज ऑर्डर। कि ऑर्गेनाइजेशन में है ना हर एक काम एक ऑर्डर से होना चाहिए, हर एक चीज़ में ऑर्डर होना चाहिए। कि जैसे अगर ऑर्गेनाइजेशन का लेआउट है तो सारे मशीनरीज और सब कुछ जो होता है ना वो प्रॉपर और क्लीनलीनेस और प्रॉपर ऑर्डर के साथ है ना एनवायरनमेंट जो हमारा होता है, जो भी लेआउट होता है उसके अंदर रखा हुआ होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई मशीन एक कोने में हो, दूसरा मशीन जो हमें चाहिए होता है वो किसी और कोने में हो, तो ऐसा नहीं चलता, एक प्रॉपर ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है। तो वही होता है ऑर्डर। स्टेबिलिटी में ये है कि स्टेबिलिटी हर एक पॉइंट के अंदर आती है कि कोई भी हम काम ले लें, कि जो हम काम कर रहे हैं ना तो उसके अंदर भी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जो हमारा एनवायरनमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का उसके अंदर भी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। वो कैसे कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो एक घंटा हमें काम करना होता है तो वो एक घंटा हमें कंटिन्यूस काम करना पड़ता है, फिर हम आधा घंटा काम करते हैं आधा घंटा बैठा रहते हैं तो वैसा नहीं चलता। दूसरा स्टेबिलिटी में ये है कि अगर कोई लेबर काम कर रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन का ये फ़र्ज़ होता है कि वो उसको बराबर रिम्यूनरेशन दे, उसको बराबर वेजेस दे। ठीक है, अब वो उसको काम ज़्यादा करवाते हैं पर सैलरी कम देते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो नौकरी छोड़ के चला जाएगा। तो उसका वो जो अगर नौकरी छोड़ के चला गया तो उसका जगह खाली हो गया, उसका जगह वेकेंट हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो उतने टाइम के लिए जब तक नया लेबर नहीं आता ना वो काम बंद का बंद रहेगा,
और ये क्या हुआ, एक अनस्टेबल इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ कि जब तक अब नया लेबर नहीं मिलेगा, उसको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, उसका सिलेक्शन नहीं होगा, तब तक वो काम होगा ही नहीं, तब तक वो काम क्या होगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी होना, हर एक केस में, कोई भी केस में आप स्टेबिलिटी का पॉइंट ले लो, हर एक केस में स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन। अब हमारे सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में ना दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक है सेंट्रलाइजेशन और दूसरा है डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन में ऐसा होता है कि जो अथॉरिटी होता है ना, तो अथॉरिटी का जो मेन उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो टॉप मैनेजमेंट जो हमारा होता है ना, वही लेती है। वो अथॉरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी और किसी के हाथ में नहीं होता, उसका जो पावर है ना, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के इंसान के हाथ में ही है कि वो जैसे काम करने को बोलेगा ना, वैसे ही काम करना पड़ता है, हम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन में ये होता है। और डिसेंट्रलाइजेशन में कैसा होता है कि जो मिडल लेवल मैनेजमेंट और बॉटम लेवल मैनेजमेंट के जो इंसान होते हैं ना, तो उनको अथॉरिटी होती है, उनको फ्रीडम होती है कि वो किसी भी काम में है ना अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं, वो काम अपने तरीके से कर सकते हैं, और उनको अगर कुछ चेंज लगे या उनको ऐसा लगे कि ये काम इस तरीके से करें ना तो ये बेटर वे में होगा, तो वो है ना ये सारे चेंजेस है ना डिसेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में कर सकते हैं। उसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट में है ना, दूसरे दो मैनेजमेंट है जो मिडल लेवल मैनेजमेंट और बॉटम लेवल मैनेजमेंट, उन लोगों को फ्रीडम दी हुई होती है कि आप लोग है ना अपने तरीके से कुछ चेंजेस कर सकते हैं। पर सेंट्रलाइजेशन में उसका पूरा अपोजिट होता है कि एकदम स्ट्रिक्ट होता है, चेन ऑफ कमांड और अथॉरिटी एकदम स्ट्रिक्ट होता है कि वहाँ पे जो मिडल लेवल मैनेजमेंट और बॉटम लेवल मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये होता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट है इक्विटी। अब इक्विटी में सिर्फ बेसिक इतना ही है कि जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उनको इक्वली ट्रीट करना है, रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है इनिशिएटिव। अब कोई भी इंसान ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है ना, तो उसको अपने काम का इनिशिएटिव लेना चाहिए कि भाई मेरे को अगर ये काम दिया गया है ना, तो मैं ये काम है ना बराबर तरीके से करूँगा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करूँगा, ठीक है, और एक प्रॉपर मैनर में करूँगा। तो ये एक इनिशिएटिव होता है कि हम खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि हम अपना दिया गया हुआ काम बराबर तरीके से करेंगे, तो ये होता है इनिशिएटिव। अब एस्प्रिट डी कॉर्प्स, अब एस्प्रिट डी कॉर्प्स है ना, वो थोड़ा यूनिटी ऑफ कमांड जैसा है कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर रहे हैं तो हम वहाँ के जो लोग हैं ना उनके साथ एक फ्रेंडशिप जैसा एनवायरनमेंट रखे, एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट रखे, हम एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करें, ठीक है, एक यूनिटी रखे काम करें, तो काम करने का मज़ा आता है, एनवायरनमेंट मोटिवेटेड रहता है, एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा रहता है और हमें काम करने का भी मज़ा आता है। ओके, तो ये हमारे थे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। ठीक है, तो हमारी अब जो नेक्स्ट वेरियस अप्रोचेस टू मैनेजमेंट के जो कॉन्सेप्ट है उसमें है नियो क्लासिकल थियोरी ऑफ मैनेजमेंट और बिहेवियरल थियोरी ऑफ मैनेजमेंट बाय एल्टन मेयो। तो हमने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो पढ़ा, तो उसके अंदर आपको ऐसा लगा होगा कि रूल्स है ना बहुत स्ट्रिक्ट थे, कि ऐसा लग रहा होगा ना कि इंसान के पास से काम नहीं ले रहे थे, ये लोग मशीन के पास से काम ले रहे हो ना, वैसा लग रहा होगा। तो नियो क्लासिकल थियरी में है ना एल्टन मेयो ने यही चीज़ बताई कि हम इंसान है भाई, हम मशीन नहीं है, तो हमारे साथ है ना इंसानों के जैसे बिहेवियर होना चाहिए, मशीनों के जैसा बिहेवियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान के कुछ इमोशंस होते हैं, कुछ फीलिंग्स होती है, सोशल नीड्स होते हैं। तो उन्होंने है ना इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा, और नियो क्लासिकल थियरी ऑफ मैनेजमेंट है ना ह्यूमन के जो इमोशंस होते हैं ना उसको भी ध्यान में रखती है। तो एल्टन मेयो ने है ना एक ऐसा हम बोल सकते हैं कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच दिया मैनेजमेंट में, कि ऊपर साइंटिफिक मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में जो सारे कुछ रूल्स होते हैं ना वो हमें समझा दिए गए कि लेबर को क्या क्या करना है, पर उसमें है ना ऐसा लग रहा था कि लेबर में और जो भी हम जो इंसान काम कर रहे हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जा रहा था उसके लिए। ठीक है, कि हमारे पास से मशीन की तरह काम ले रहे हो ना वो लोग, हमें ऐसा लगता है वो पढ़ के। तो वही चीज़ थोड़ा क्या हो गया, रिलैक्सेशन दिया गया किसके अंदर, नियो क्लासिकल थियरी ऑफ मैनेजमेंट में, जिसमें हमारे इमोशंस और फीलिंग को भी कंसिडर किया जाता है कि एक इंसान एक घंटे काम कर सकता है तो उसके बाद उसको 10 या 15 मिनट का ब्रेक मिलना चाहिए, वो 3-4 घंटे तक कंटिन्यूस काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऐसा जो सारा कुछ था तो वो नियो क्लासिकल थियरी में समझाया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। तो क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट के अंदर ऐसा होता है
कि हम है ना कुछ मैथमेटिकल और स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो सॉल्व करने के लिए। अब ये पॉइंट ऐसा है कि बुक में बहुत छोटा सा दिया गया है, पर आगे हमारा चैप्टर आता है एक CPM और PERT करके, ठीक है, क्रिटिकल पाथ मेथड एंड प्रोग्राम इवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ये वाला चैप्टर आता है। तो ये है ना एक क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट का टेक्निक है। डिग्री में है ना पूरा इसका एक अलग सब्जेक्ट आता है, ऑपरेशनल रिसर्च, ठीक है। ऑपरेशन रिसर्च में है ना पूरा क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट एकदम डिटेल में हमें समझाया गया है। वो सब्जेक्ट डिप्लोमा में पढ़ने में ज़्यादा डिटेल में नहीं आता, इसीलिए वो जब चैप्टर चल रहा होगा ना तभी मैं आपको बताऊँगा ज़्यादा डिटेल में, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट। सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट हमारा फर्स्ट लेक्चर जो सिस्टम कॉन्सेप्ट था ना वही का वही सेम टू सेम इस पॉइंट में समझाया गया है, तो वो पूरा मैं रिपीट करके आपको नहीं समझाऊंगा, ओके। नेक्स्ट है ऑपरेशनल अप्रोच टू मैनेजमेंट। अब ऑपरेशनल अप्रोच टू मैनेजमेंट में ना थोड़ा हमारा अर्गोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट बीच में आ जाता है कि इसमें ऐसा ही है कि जो हमारा एनवायरनमेंट होता है ना ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसको ध्यान में रखे, ठीक है, जो हम ध्यान में रखते हैं और उसके हिसाब से हम मैनेजमेंट करते हैं। क्योंकि हम साइंटिफिक में और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में हमने ऐसा देखा कि सारा कुछ रूल्स दे दिए, पर हमारा ऑर्गेनाइजेशन का वैसा कैपेबिलिटी तो होना चाहिए, ठीक है ना, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वैसे फैसिलिटीज़ तो होने चाहिए, टाइम स्टडी मोशन स्टडी करने के लिए वैसे कैमरे चाहिए होते हैं, वैसे इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं। अब किसी ने बोल दिया कि टाइम स्टडी और मोशन स्टडी करो, ठीक है, तो सुपरवाइज़र करेगा कैसे, उसके पास इक्विपमेंट्स तो होने चाहिए, ठीक है। तो ऑपरेशनल अप्रोच टू मैनेजमेंट हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच है कि उसके अंदर है ना हमारे एनवायरनमेंट और हमारे पास जो भी है फैसिलिटी उसको ध्यान में रख के है ना मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक है। और ऑपरेशनल अप्रोच टू जो मैनेजमेंट है वो दिया गया था कून्स और डोनेल एंड वेबरिच नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने ये वाला अप्रोच दिया था, ठीक है। तो ऑपरेशनल अप्रोच में यही होता है। अब नेक्स्ट है कंटीजेंसी अप्रोच टू मैनेजमेंट। अब कंटीजेंसी अप्रोच भी है ना एक प्रैक्टिकल वाला अप्रोच है कि इसके अंदर कैसा होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम हुआ तो उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम को है ना आप उसका जैसा रिक्वायरमेंट होता है ना प्रॉब्लम का, आप उसी तरीके से सॉल्व करोगे, आप उसी वे में उस प्रॉब्लम को हैंडल करोगे, ठीक है। क्योंकि अगर प्रॉब्लम फेस हुआ तभी आपको पता चलेगा ना कि भाई इस पॉइंट पे हमें ये तकलीफ हुई तो अब हमें इस तकलीफ का क्या बोलते हैं सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। तो हम उसके लिए इस तरीके के प्रॉब्लम के लिए हम कंटीजेंसी अप्रोच यूज़ करते हैं। कंटीजेंसी अप्रोच एक प्रैक्टिकल हो गया, ठीक है, तो उसके अंदर ऊपर के सभी अप्रोच आ गए ना हम ऐसा भी बोल सकते हैं। क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम फेस होता है, सपोज़ कि एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम है, तो हम एनवायरनमेंट में कुछ सुधार लाएंगे, हमारा जो वर्किंग का जो क्या बोलते हैं सारा कुछ लेआउट है उसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे, तो वो वापस से ऑपरेशनल अप्रोच टू मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं। तो कंटीजेंसी अप्रोच में ऐसा होता है कि जैसा प्रॉब्लम वैसा सॉल्यूशन, और उसी टाइम पे हम उसका सॉल्यूशन लाते हैं, ठीक है। तो कंटीजेंसी अप्रोच में इतना होता है। तो आज हम यहीं पे हमारा लेक्चर ख़त्म करते हैं, ओके। हमारा सेकंड चैप्टर ख़त्म हो चुका है और हमारा थर्ड चैप्टर नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।